गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। तो आज की इस वीडियो में मिड टर्म एग्ज़ाम क्लास टेंथ का साइंस का डिस्कस करेंगे, क्योंकि 3 घंटे का आपका पेपर है, 80 मार्क्स का मॉर्निंग शिफ्ट का। तो हमने इस पेपर को देख चुके हैं, अब हम इसकी डायरेक्ट मार्किंग स्कीम आंसर्स डिस्कस करेंगे। पूरे पेपर की क्वेश्चंस पढ़ने की नीड नहीं, हम डायरेक्ट आंसर डिस्कस करेंगे बिकॉज आप पेपर कर चुके हैं। तो फर्स्ट का आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट है, और हिंदी मीडियम में भी जो हिंदी साइड में आपका पेपर है वो भी आपका इसमें भी डी ऑप्शन ही करेक्ट होगा। तो मैं दोनों तरफ ना मार्क करा के एक ही तरफ मार्क करा रही हूँ, जिससे आपको अच्छे से रहे। तो फर्स्ट का डी ऑप्शन हो जाएगा, सेकंड का आपका सी ऑप्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, थर्ड का आपका बी ऑप्शन अनियन, फोर्थ का आपका गैल्वनाइजेशन डी ऑप्शन, देन फिफ्थ का आपका इसमें ए ऑप्शन सॉल्युबल इन वाटर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट ये क्वेश्चंस आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6, मसल इसमें आपका सी ऑप्शन स्पिंचर मसल्स, देन 7th में आपका डी ऑप्शन मैनी प्लांट वेस्ट आर स्टोर्ड इन लाइसोम्स इन सेल्स, देन क्वेश्चन नंबर 8th में आपका बी ऑप्शन डेंड्राइट करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 9th में आपका डी ऑप्शन एब्सिसिक एसिड करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 10th में आपका ओल करेक्ट हो जाएगा ए ऑप्शन, एंड क्वेश्चन नंबर 11th में आपका सी ऑप्शन कॉनकेव मिरर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें आपका बी ऑप्शन रेटिना करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 13 में आपका डी करेक्ट हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 14 में आपका डी ऑप्शन इन्फिनिटी करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 15 में आपका इसमें सी ऑप्शन 4th, 2nd, 1st एंड 3rd ये 14 आपकी बनेगी, देन क्वेश्चन नंबर 16th में आपका डी ऑप्शन गार्डन करेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ पे आते हैं क्वेश्चन असर्शन रीज़न के, तो असर्शन रीज़न के क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 में आपका जो है ए ऑप्शन करेक्ट है, बोथ असर्शन एंड रीज़न आर करेक्ट एंड रीज़न इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, क्वेश्चन नंबर 18th में आपका सी ऑप्शन करेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 19th में आपका डी ऑप्शन करेक्ट है, एंड क्वेश्चन नंबर 20th में आपका बी ऑप्शन करेक्ट है। देन सेक्शन बी के आंसर हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, तो हम डायरेक्ट आंसर्स देखेंगे। तो फर्स्ट 21st क्वेश्चन का सब्सटेंस ऑक्सीडाइज H2 रिड्यूस CO कॉपर ऑक्साइड, फिर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कॉपर ऑक्साइड है, रिड्यूसिंग एजेंट H2 है। फिर इसके हमारा 22 क्वेश्चन जो है वो ये आपका आंसर हो जाएगा, मलेबिलिटी डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी, दो मोस्ट मलेबल मेटल गोल्ड और सिल्वर। फिर इसका 8वां का क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 23 में आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको लिखना होगा इसी से रिलेटेड, ज़रूरी नहीं यही इससे रिलेटेड होना चाहिए, और अगर इससे रिलेटेड नहीं है तो आपका आंसर इनकरेक्ट होगा। देन क्वेश्चन नंबर 24th में आपका ये आंसर हो जाएगा, 25th में आपका ये आंसर हो जाएगा, देन 26th में आपका ये हो जाएगा, और 26th के अथवा में डिस्पर्जन डिफाइन करना था, तो डिस्पर्जन एंड आपको ऐसा फिगर भी बनाना था कि एक लाइट जा रही है 7 कलर में डिवाइड हो रही है, देन वो 7 कलर ऐसे मर्ज हो के एक लाइट वापस निकल रही है, तो ऐसा आपको फिगर भी बनाना था। देन सेक्शन सी है आपका क्वेश्चन नंबर 27, देन इसमें आपका ये आपका आंसर हो जाएगा डिकम्पोजिशन ड्यू टू, देन क्वेश्चन नंबर 28 में आपको केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला बताना है बेकिंग सोडा का। तो इनको क्वेश्चन नंबर 28 के जो आंसर्स हैं वो मिसप्रिंट हो गए हैं, तो मैं ये आपको आंसर्स कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13, इसमें आपका आंसर जो है वो ये हो जाएगा, आपको ये इस टाइप में लिखना है। देन क्वेश्चन नंबर 31 में आपका फर्स्ट का आपका आंसर ये हो जाएगा, स्नेल्स लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, देन क्वेश्चन नंबर 32 को सेकेंड पार्ट में इसे सॉल्व करना था, आपका ऐसे सॉल्व हो जाता, डायग्राम बनाना था, तो ये तीनों डायग्राम आप ऐसे बनाएंगे जो कि बुक में भी दे रखा है, तो ऐसे आपकी ये फिगर बनेगी, आपका ए फार पॉइंट फिर मायोपिक आई और फिर करेक्शन आपकी ऐसे बनेगी, आपको ऐसा डायग्राम बनाना है। देन क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर आप यहाँ से करेंगे, ऐसे ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 का आंसर ई पार्ट तक है, तो फर्स्ट का ए का सोडियम पोटेशियम लिथियम कोई तीनों में से कोई एक लिख सकते हैं, बी में गैलियम कैल्शियम दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं, सी में ऑक्सीजन, डी में ब्रोमीन और ई में डायमंड आपका आंसर हो जाएगा। फिर गिव रीज़न अथवा का क्वेश्चन है, तीन पार्ट है, तो फर्स्ट का आंसर, सेकेंड का आंसर और थर्ड का आंसर दे रखा है। देन क्वेश्चन नंबर
35 में आपका बी ऑप्शन, बी और सी का आपका ये आंसर रहेगा, एंड अथवा का आपका आंसर फर्स्ट का ग्रोथ हार्मोन एंड्रेलाइन, सेकंड में थायरोक्साइन, थर्ड में बॉयज़ के टेस्टिस और टेस्ट्रॉन, गर्ल्स में ओवरीज ऑस्ट्रोजन, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। देन क्वेश्चन नंबर 36 में आपका ड्रॉ री डायग्राम है, तो यहाँ पे आपका पूरा आंसर हो जाएगा। इसका अथवा में आपका आंसर ये हो जाएगा, आपको ये पूरा ए पार्ट बी पार्ट के आंसर करने हैं, और ये बी पार्ट का आंसर हो जाएगा। ये पूरा आप देख सकते हैं यहाँ से लेके, ये पूरे सॉल्यूशन होंगे। देन ये आपका केस बेस्ड के क्वेश्चन आ जाएंगे। केस बेस्ड में आपका 37 में ए ए सी डी, बी में बेसिक बी एंड एफ, सी में आपका एफ सोडियम बाइकार्बोनेट माइल्ड बेस है, न्यूट्रलाइज करता है एसिड बी को, फिर एफ सेम वही लिख दिया, फिर अथवा में जो सी है उसका एच सेवन है, कलर ऑफ पी एच पेपर बिकम्स ग्रीन, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हुई है एच सी एल प्लस एन एच, तो एन ए सी एल प्लस एच सी एल फॉर्म हुआ है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 38 का तीनों पार्ट के आप आंसर करेंगे। ए में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बी में प्लांट वेस्ट का एसिड डेफिनेशन रिमूवल, सी में आपका अमाउंट ऑफ वाटर जो रिक्वायर्ड है वो एक्सेस वाटर रिमूव हो जाता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू, और अथवा का सी में यस जो एक्सक्रीट होता है वो सॉइल में डिफ्यूजन प्रोसेस से चला जाता है। देन 39 जो आपकी है वो उसमें भी केस बेस्ड क्वेश्चन में बी का आपका सेंसिटिव हो जाएगा, देन सी ऑप्शन एंड यस और का आपका सी पार्ट, और विच फिनोमेना एक्सप्लेन अबाउट अर्ली सनलाइट वो आपको इसमें बताना है। तो यहाँ पे आपके सारे सॉल्यूशन थे क्वेश्चन नंबर 28 एंड 29 के आंसर, मैं आपको पिन कमेंट में दे दूँगी। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, और बाकी सॉल्यूशंस भी आपको चैनल पे मिल जाएंगे, तो आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग यू, बाय बाय गाइज़।